हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ TFX सूप एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन्हीं लोगों के लिए जो भी बंदा लोगों पे स्ट्रीम करना चाहता है एंड आप भी उनमें से एक है एंड आपको पता नहीं है कि लोगो क्या है। तो आपको मैं बता देता हूँ, लोगो है इंडिया का लीडिंग गेमिंग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आप लोग बहुत ईजिली स्ट्रीम कर सकते हो एंड अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप फ़ोन से कैसे स्ट्रीम कर सकते हो एंड उसके साथ साथ पीसी से कैसे स्ट्रीम कर सकते हो। तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। एंड उससे पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोगों का स्ट्रीमर पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो वो भी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो वो भी मैं वीडियो का एंड पे बता दूंगा। ठीक है, तो गाइस चलो वीडियो देखते रहो एंड गाइस हम चलते हैं फ़ोन का स्क्रीन पर। ठीक है, एंड हम दिखाते हैं कि कैसे आप फ़ोन से इजीली स्ट्रीम कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम फ़ोन का स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम दिखाएंगे कि आप फ़ोन में लोगों पे कैसे स्ट्रीम कर सकते हो। एंड चलो पहले हम लोगों जो ऐप है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा एंड आपके पास अगर iOS है तो आपको iOS से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, iOS जो स्टोर होता है वहाँ से डाउनलोड करना है एंड उसके बाद स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऊपर टैप करके यहाँ पे आपको करना है साइन इन करना है। तो आप जीमेल से या फिर फ़ोन नंबर से साइन इन कर सकते हो। ठीक है, या फिर एप्पल आईडी आपके पास जो भी है आप उससे साइन इन कर सकते हो। तो चलो मैं थोड़ा साइन इन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि हम साइन इन कर चुके हैं एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि हम आ चुके हैं लोगो ऐप के जो मेन स्क्रीन है, मेन स्क्रीन पर हम आ चुके हैं। एंड गाइस अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड पे बहुत इजी रहता है। आप लोगों को बस लोगो स्टूडियो जो ऐप होता है वो ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से एंड उससे आप इजीली जो है स्ट्रीम सेटअप कर सकते हैं। जस्ट 1 से 2 मिनट लगता है। ठीक है, एंड आपके पास अगर iOS है, जैसे कि मेरे पास अभी मैं iOS ही दिखा रहा हूँ, तो मेरे पास भी एंड्रॉयड है लेकिन उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन मिरर का, तो इसीलिए मैं उससे नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि कैसे अगर आपके पास iOS है तो iOS के लिए मैं बता देता हूँ। iOS के लिए आप लोगों को पता ही है स्ट्रीम चैम्प करके एक ऐप आता है, जिस ऐप के मदद से आप लोग बहुत अच्छा क्वालिटी के साथ स्ट्रीम कर सकते हो। ठीक है, मैं भी वहाँ से पहले स्ट्रीम करता था जब मेरे पास PC नहीं था। तो आप मेरे पास PC है तो मैं PC से ही करता हूँ। ठीक है, तो गाइस लेट्स गो। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आपको आपको डैशबोर्ड पर कैसे जाना है एंड कैसे आपको एडिट्स वगैरह करना है स्ट्रीम का, जो भी थंबनेल्स है और स्ट्रीम का टाइटल से लेके सब कुछ। ठीक है, तो मैं एक बार स्ट्रीम का जो सेटिंग्स है वहाँ पे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप लोग को आना है एंड यहाँ पे जाके स्ट्रीम नाउ जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे स्ट्रीमिंग सेंटर जो होता है ना, मतलब एक पूरा सेटिंग वो खुल जाएगा गाइस। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग पहली बार स्ट्रीम को सेटअप कर रहे हो तो आप लोगों को जाना है यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन पे। ठीक है, फास्ट पे ये है मैनेज लाइव स्ट्रीम, उसके बाद डैशबोर्ड दिख रहा है एक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका प्रोग्रेस कितना है और यहाँ पे स्ट्रीम की और URL को आप लोग कॉपी कर सकते हो एंड उसके बाद है स्ट्रीम डिटेल्स। तो आप लोग अगर पहली बार अगर स्ट्रीम को सेटअप कर रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे जाना है, ये वाला ऑप्शन पे टैप करना है एंड यहाँ पे जाके आपको एडिट वाला ऑप्शन पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि मेरा पहले से मैं करके रखा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे हर रोज़ स्ट्रीम करता हूँ, तो मैंने पहले से सेटअप करके रखा हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो आप लोगों को बस यहाँ पे जाके टैप करके बस यहाँ पे एडिट्स करना है। ठीक है, और थंबनेल्स यहाँ पे आप लोग इजीली थंबनेल्स वगैरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बैक चलते हैं। तो गाइस चलो अब हम चलते हैं PC का स्क्रीन पे एंड PC से आप लोग कैसे इजीली स्ट्रीम कर सकते हो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो फाइनली हम PC के स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है loco.gg। ठीक है, जो लोगों का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ये आप सर्च कर सकते हो एंड यहाँ पे आने के बाद ये मेरा पहले से लॉगिन है तो इसीलिए मेरे को ऐसा दिखा रहा है, तो पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जीमेल से या फिर फ़ोन नंबर से आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो लेट्स गो, मैं गूगल से मतलब जीमेल से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लिया एंड लॉगिन करने के बाद आपका जो अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन शो होगा, प्रोफाइल और स्विच टू स्ट्रीमर डैशबोर्ड।
तो यहाँ पे आपको जाना है सेकंड ऑप्शन पर, स्विच टू स्ट्रीमर डैशबोर्ड। स्ट्रीमर डैशबोर्ड पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शंस मिलेगा, एंड जो फास्ट जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ही सब कुछ है, बाकी यहाँ पे तो है लेकिन आपको जो काम आने वाला है तो यहाँ पे ही है सब कुछ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहा है यू आर नॉट लाइव, मतलब आप अभी लाइव नहीं है इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। अगर आप लाइव होंगे तो यहाँ पे लाइव का सिंबल आ जाएगा एंड यहाँ पे दिखाएगा यू आर लाइव ऐसा करके। और यहाँ पे जो होस्ट URL है और स्ट्रीम की है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये दोनों को अलग अलग से कॉपी करके ब्रॉडकास्ट करने के लिए OBS पे डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडिट ऑप्शन को एक बार एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एडिट ऑप्शन पर टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे जाके आप इसको पूरा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। कि आपको यहाँ पे टाइटल, स्ट्रीम टाइटल क्या डालना है, स्ट्रीम पे डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, यहाँ पे टैग्स क्या देना है, और आप क्या गेम खेलना चाहते हो, BGMI, फ्री फायर, वैलोरेंट, ठीक है, आप क्या गेम खेलना चाहते हो ये आप दे सकते हो। एंड यहाँ पे थंबनेल पे भी टैप करके आप दे सकते हो आपका क्या क्या थंबनेल आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, कौन सा थंबनेल। तो यहाँ पे करने के बाद आपको सेव कर देना होगा, एंड जब भी ये सेव हो जाएगा ऊपर से एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि सेव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको कॉपी करना है एंड इसको OBS पे जाके URL पे एंड की जो होता है ना ये आपको जाके वहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पेस्ट कर दो एंड उसके बाद स्ट्रीम स्टार्ट कर दो वहाँ से, तो यहाँ से स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से आराम से चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको कमेंट्स वगैरह सब कुछ दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग PC पे स्ट्रीम कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत इजी है PC पे, मतलब बहुत ही इजी है PC पे स्ट्रीम करना, जैसे कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है। और जिन जिन बंदे को पता नहीं है, जिनके पास PC है, तो आप लोग ऐसे स्ट्रीम कर सकते हो लोगों पे। तो सो गाइस, अब हम बात करते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम लोगों पे स्ट्रीम कर रहे हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि मैं कैसे स्ट्रीम करूँ, या तो स्ट्रीम करूँ तो मैं अर्न कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर कैसे अर्न कर सकता हूँ। तो मैं उनके लिए बता देता हूँ इंडिविजुअली, अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि आप कहीं पर भी पहले स्ट्रीम नहीं किया या फिर स्ट्रीम किया लेकिन वहाँ से आपको कुछ भी ग्रो नहीं मिला, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से स्ट्रीम कर सकते हैं एंड अर्न कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ डैशबोर्ड, जो एक डैशबोर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे एक परफॉर्मेंस शो हो जाता है आपको कि आप इस महीने में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे एक प्लान टेबल जो है वो बना दिया गया है कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका जो लाइव वॉच आवर है, लाइव वॉच आवर क्या है एंड उसका उसका जो पे होगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ लाइव वॉच आवर क्या है। लाइव वॉच आवर वही है जो आप मान लो कि आप अभी स्ट्रीम कर रहे हो एंड आपको 100 बंदे आपको एक घंटा तक देखा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको, मतलब बंदा जितना जितना टाइम आपको देखेंगे उसके हिसाब से आपका जो लाइव वॉच आवर है वो बढ़ते जाएगा, एंड उसके साथ साथ यूनिक लाइव व्यूअर्स भी बढ़ते जाएगा, एंड ये दोनों के हिसाब से आपका यहाँ पे बीन्स जो है ये यहाँ पे शो होते जाएगा। बीन्स एक्चुअली है लोगों का एक करेंसी। बीन्स आपको ट्रांसफ़र करना होता है आपके बैंक पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहाँ पे बैंक, UPI, PayTM, मोबीक्विक जो ऑप्शन है कहीं पे भी आप लोग डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी बता देता हूँ कि लाइव वॉच आवर कितना पे आपको कितना मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 0 to 4 लाइव वॉच आवर रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो डेटा है ये शो नहीं कर रहा है, मतलब ये इस पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको मिनिमम 5 to 20 अगर आपका लाइव वॉच आवर रहेगा तो उसके हिसाब से आपको पर लाइव वॉच आवर के हिसाब से आपको 6 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको जो यूनिक लाइव व्यूअर्स है उसको 20 करना है, ठीक है। तो ऐसे करके जब बढ़ते जाएगा, तो देखो मैं भी यहाँ पे स्ट्रीम करता हूँ तो मेरा भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। आप लोग जब भी स्ट्रीम करोगे, आपको तो नॉर्मली अगर आप पूरा महीने अच्छे से स्ट्रीम करोगे एंड आपको बहुत अच्छे से व्यूअरशिप मिलेगा, ठीक है, तो आप लोगों को ये तो नॉर्मली हो ही जाएगा, मतलब 1000 तक तो आप लोगों को आराम से हो ही जाएगा। एंड उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर 500 to 1000 तक आप लोगों को लाइव वॉच और जो है होगा तो आप लोगों को 10 रुपीज़ का पर लाइव वॉच और का रेट के हिसाब से मिलेगा एंड वो आप लोगों को बन जाएगा 10,000 के आसपास, ठीक है। तो गाइस यही है, एंड आप लोग ऐसे करके जितना अच्छा आप लोगों का व्यूअरशिप बना सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप लोग जितना अच्छा से आप लोगों का व्यूअरशिप जो है वो बना सकते हो ना, तो आप लोगों को खुद लोगों से आप लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा एंड उसके बाद
पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो आराम से इजीली। एंड उसके बाद आप लोगों को बहुत बहुत सारा चीज़ें मिल सकता है, लाइक गेमिंग चेयर, उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा कुछ मिल सकता है आप लोगों को, जो लोगों खुद आपको देता है आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, कितना अच्छा ग्रो कर रहे हो प्लेटफॉर्म पर। लोगों को ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म है, इंडिया का लीडिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म, जो कि स्ट्रीमर को खुद सपोर्ट करता है एंड बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। मैं भी यहाँ पे शायद 1 साल से ज़्यादा हो रहा है मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे स्ट्रीम करना, एंड आप लोग भी ट्राई करो। एंड गाइस, आज का वीडियो में यही था आप लोगों को, एंड अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, मैं हर रोज़ लोगों पे स्ट्रीम करता हूँ, तो मेरा स्ट्रीम पे आओ एंड पूछो मेरे से कि क्या डाउट है, या फिर मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो या फिर मतलब कुछ भी आपको आप लोगों को डाउट रहेगा तो मैं अलग से एक ब्रीफली वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है गाइस। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे ही था, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेट्स गो, बाय।